वेलकम स्टूडेंट, SOM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम समास की, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, हिंदी ग्रामर की बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए बच्चों, हम समास पढ़ रहे थे, समास की परिभाषा, उसके प्रकार से संबंधित बातें कर ली थी हमने। आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास, और उसमें हम दूसरा पढ़ रहे थे करण तत्पुरुष, उसकी बात हमने लिख ली थी। अब बात करते हैं कि करण तत्पुरुष में हम देखें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, हम उसके उदाहरण की बात करेंगे। तो आप उदाहरण लिखेंगे, करण तत्पुरुष में हमने कारक देखे थे कि इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो से और द्वारा आता है, इसकी बात कर ली थी हमने। उदाहरण हम लिख रहे थे तो दो तीन आप उदाहरण लिखेंगे, जैसे मन मानी, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मन से मानी। ठीक है, जैसे अगर इस प्रकार का उदाहरण हो जाए धर्मांध, धर्म प्लस अंध या अंधा, तो अब इसका हो जाएगा धर्म से अंधा। देखो ये से आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें करण तत्पुरुष है। ठीक है, तो इससे अगर आ जाए रोग ग्रस्त, तो इसका हो जाएगा रोग से ग्रस्त। तो ये अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, जैसे आ जाए रेखांकित, तो इसका हो जाएगा रेखा के द्वारा अंकित। अगर आ जाए जैसे हस्तलिखित, तो हाथ के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया करण तत्पुरुष, दो नंबर की बात कर ली थी, कर्म पढ़ लिया था। तीन नंबर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष। इसका आप सभी जानते हो कि इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है, तो संप्रदान के लिए। तो इसमें जो संप्रदान कारक है उसमें चिन्ह होता है के लिए। जहाँ पर के लिए का लुप्त हो जाए, जहाँ पर संप्रदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए, तो आप आराम से बता सकते हो कि वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, तो इसके आप उदाहरण लिखेंगे, जैसा आ गया देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। तो के लिए आ गया ना, तो आराम से आप पहचान सकते हो। जैसे मान लो आ जाए स्नानघर, क्या
स्नानघर, तो इसका हो जाएगा स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। देखो के लिए आ गया यहाँ, के द्वारा से। तो जो विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे हैं जिसे आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा का समास है, ये ध्यान रखना है। अगर आपके आ जाए धर्मशाला तो आप लिख सकते हो, इसका हो जाएगा आराम से कि धर्मशाला का आप ये भी लिख सकते हो कि विशेषकर इसमें जो महत्वपूर्ण होगा जैसे धर्मशाला, तो जैसे हमने लिखा है स्नान घर का, स्नान के लिए घर, तो इसका हो जाएगा धर्म के लिए शाला, ठीक है। और अगर हम लिखें तो हवन कुंड, एक शब्द है हवन कुंड, तो हवन के लिए कुंड, हवन के लिए जो कुंड होता है उसको हवन कुंड कहते हैं। तो आराम से आप पहचान सकते हो कि हवन के लिए कुंड, तो इसमें के लिए आ गया, तो आप अगर हवन कुंड आएंगे तो आप क्या लिखेंगे, हवन के लिए कुंड। और जब हवन के लिए कुंड आए तो इसका समास बन जाएगा हवन कुंड। कौन सा है संप्रदाय, संप्रदान तत्पुरुष समास है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। जब आप इसका बार बार प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अगर और देखें तो विद्यालय, तो हो जाएगा इसका विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, क्या मतलब होता है घर, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे रसोई घर आ जाए, रसोई घर, तो क्या हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। तो जहाँ पर के लिए आपको क्या दिखाई दें, विभक्ति चिन्ह दिखाई दें, तो आप आराम से पहचान सकते हो तत्पुरुष समास में वो संप्रदान क्या होगा, तत्पुरुष होगा, ठीक है। जैसे आ जाए मान लो समाचार पत्र, तो क्या लिखेंगे आप, समाचार के लिए पत्र, के लिए पत्र, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उदाहरण बहुत सारे हैं अपने महत्वपूर्ण लिखे हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके, जैसे अगर बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हवन सामग्री तो हवन के लिए सामग्री, कृष्ण अपहरण कृष्ण के लिए अपहरण, अर्पण हो जाएगा कृष्ण अर्पण में, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, शिवालय शिव के लिए आलिए, गौशाला गाय के लिए शाला, तो इस प्रकार के बहुत सारे होते हैं। अब पढ़ते हैं अपन अपादान, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अब इसका अगर विभक्ति चिन्ह आपको पता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, तो जैसा हो जाएगा इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है से, वो भी किस भाव में, अलग होने भाव में, अलग होने का भाव, ठीक है। तो अपादान से अलग होने के भाव में इसका प्रयोग होता है, तो जहाँ से अलग होने का भाव प्रकट हो लोप हो जाए तो इस विभक्ति चिन्ह का, तो आप आराम से बता सकते हो कि वो अपादान तत्पुरुष है,
जैसे जाति भ्रष्ट, तो अब इसका हो जाएगा जाति से भ्रष्ट। ठीक है, और देखो अगर देखेंगे तो इस जाति भ्रष्ट, इसमें भ्रष्ट के आधार पर धर्म भ्रष्ट हो सकता है। ठीक है, ये भी शब्द हो सकता है। इसके अलावा देखें तो उदाहरणों में तो एक आप ये भी उदाहरण लिख सकते हो, गुण रहित, तो इसका हो जाएगा गुण से रहित। अब यहाँ से आया ना, और वो भी अलग के अर्थ में, क्योंकि जाति से अलग है, गुण से अलग है। और अगर लिखें तो पदमुक्त, पद से मुक्त, पद से अलग होना, पद से मुक्त। ठीक है, जैसे पाप मुक्त हो जाए तो पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, तो पाप से मुक्त हो गया, अलग हो गया। तो से अर्थ में, अलग होने अर्थ में पदान तत्पुरुष ध्यान रखना आपको। ठीक है, और भी लिख सकते हैं अपन, जैसे इधर और लिखें देश निकाला, देश निकाला, तो देश से निकला बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांच नंबर हम जो तत्पुरुष का भेद पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष, और संबंध कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा कि संबंध तत्पुरुष के चिन्ह कौन से हो सकते हैं, क्योंकि आपको संबंध कारक पढ़ाया गया है। संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो इनका लोप हो जाएगा, जिसे संबंध का होता है का, के और की। अगर ये विभक्ति चिन्ह कहीं लोप हो रहे हैं तो आराम से आप पहचान सकते हो संबंध तत्पुरुष है। जैसे आप उदाहरण से आप लिखेंगे, उदाहरण आप आराम से लिख सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दो तीन हो सकते हैं, संबंध भी हो सकता है और संप्रदान भी हो सकता है। जैसे राम नाम, तो राम का नाम, राम नाम मतलब राम का नाम, तो का आ गया। ठीक है, इसके अलावा नरेश, तो नरों का इस मतलब होता है भगवान, और नर मतलब मानव, लोग, आदमी को नर भी कहते हैं। तो जो नरों का इस है, नरों का भगवान है वो नरेश, तो ये भी हैं। जैसे मतदाता, तो मत का दाता, तो हो जाएगा मतदाता। ठीक है, जैसे लिखें राम चरित, तो राम का चरित्र, ठीक है। जैसे आ जाए प्रेम सागर, तो प्रेम का
सागर। जैसे आ जाए मंत्री परिषद, तो आप लिख सकते हैं इसका मंत्री परिषद का मंत्रियों की परिषद। इसके ऊपर अनुसार है मंत्रियों की परिषद, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से समास को समझ सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष में का के की जो विभक्ति चिन्ह वो लोप हो जाते हैं। जैसे राम नाम, इसमें राम नाम में का आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब लोप हो गया है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम संबंध तत्पुरुष के जो विभक्ति चिन्ह वो लगाएंगे। राम का नाम, नरों का ईश, मत का दाता, राम का चरित्र, प्रेम सागर में प्रेम का सागर, मंत्री परिषद में मंत्रियों की परिषद। तो हमने पांचवा पढ़ लिया, अब छह नंबर पढ़ते हैं, वो है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। तो आपको पता होगा कि अधिकरण तत्पुरुष में कौन सी विभक्तियाँ होती है, तो इसकी होती है में, पे, पर, में और पर, ठीक है। पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो में पे पर हो सकता है। जहाँ पर में पे पर या में और पर जो विभक्ति चिन्ह है इनका लोप हो जाए तो आप बता सकते हो अधिकरण तत्पुरुष हैं। जैसे बात करें अधिकरण तत्पुरुष की, तो उदाहरण आप लिखेंगे मुनि श्रेष्ठ, तो हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है। जैसे अगर आप और लिखते हो आत्मनिर्भर, तो आप लिख सकते हैं इसका आत्म पर निर्भर, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो आप एक और उदाहरण लिखेंगे कविराज, तो इसका हो जाएगा कवियों में राजा, कवियों में राजा। और लिखे तो आप लिख सकते हो स्वर्गवास, तो हो जाएगा स्वर्ग में वास, ठीक है। अगर आप और लिखना चाहो तो युद्धरत, तो युद्ध में रत मतलब लगा हुआ। तो मुनियों में श्रेष्ठ में आ गया, तो अधिकरण कारक का आपको पता है क्या होता है विभक्ति चिन्ह, तो मैंने कारक पढ़ाए तो आपको पता होगा अधिकरण में होते हैं में, पे, पर, विभक्ति चिन्ह। तो जहाँ पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह लोप हो जाती हैं तत्पुरुष समास वहाँ वो होगा अधिकरण तत्पुरुष। जैसे मुनियों में श्रेष्ठ तो में दिखाया गया, तो में आने की वजह से अधिकरण तत्पुरुष, और इसका लोप हो गया मुनि श्रेष्ठ में। राजाएं स्वर्ग में वास, तो स्वर्गवास हो जाएगा, में का लोप हो गया,
जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आत्मनिर्भर का आत्म पर निर्भर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर और लिखें तो आप लिख सकते हो ध्यान मग्न, तो इसका हो जाएगा ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ठीक है। जैसे आ जाए मान लो देवाश्रित, जिसको हो जाएगा देव पर आश्रित, यानी निर्भर, किस पर निर्भर रहना, आश्रित रहना। तो देव देवाश्रित में देव पर आश्रित, ठीक है। तो ये हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आपका तत्पुरुष हो गया है पूरा। तत्पुरुष में जो दो प्रकार हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि दो कौन कौन से हैं, कर्मधारय, और हमने बात की थी उसकी भी अलग अलग प्रकारों में द्विगु समास की। तो अपने अब द्विगु और कर्मधारय पढ़ लेते हैं, या तीन नंबर जो हैं वो द्वंद्व समास भी पढ़ लेते हैं। मेरे हिसाब से तत्पुरुष समास पढ़ लिया है तो अपन द्विगु समास और कर्मधारय समास पहले पढ़ लेते हैं, फिर द्वंद पढ़ लेंगे, फिर बहुव्रीहि समास पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो तीन नंबर हेडिंग लिखो आप, दो समास पूरे हो गए, कुल छः बताए थे, उसमें से हम तीसरा पढ़ रहे हैं, कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय। देखो कर्मधारय में क्या ध्यान रखना है उसकी बात करेंगे। तो पहले आप इसकी बात लिखेंगे जो मैं लिखा रहा हूँ, फिर उसको समझना है कर्मधारय का मतलब क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखना है कि जो कर्मधारय होता है उस कर्मधारय समास में, समास में या कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो उत्तर पद क्या होता है या पूर्व पद क्या होता है? तो पहले वाला जो पद होता है वो पूर्व, उत्तर पद यानी दूसरा पद। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान है वो आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है तो इसमें भी यही है, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि दूसरा पद प्रधान तो होता है लेकिन पहला जो पद है वो दूसरे की विशेषता भी बताता है। तो लिखेंगे इस समास में प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाने वाला होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।